सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल राशन मंडी बाजार भाव और जाने डेली की अपडेट। आइए बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी से। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आजकल आमदनी कुछ ठीक ठाक हो रही है और आवक भी अच्छी हो रही है। तो चलिए अब हम बात करेंगे जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो गुजरात का चिप सोना होता है वो 1800 रुपये से लेके 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिचा हुआ है, और जो इंदौर का चिप सोना होता है वो 1800 से 1900 रुपये, और जो हमारा चिप सोना आलू होता है वो 2000 से लेके 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिचा हुआ है वहाँ पे। और जो पंजाब का लाकर आलू होता है वो 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, और जो 3797 होता है वो 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। तो अब आइए आ जाते हैं आगरा में। तो आगरा में 3797 आलू जो है 1700 से लेके 1900 रुपये प्रति क्विंटल, और जो 302 होता है वो 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। तो अब हम बात करें वहीं गुजरात दिशा मंडी की। तो गुजरात दिशा मंडी में जो हमारा लाकर आलू होता है वो 1900 से लेके 2160 रुपये प्रति क्विंटल, और जो पुखराज होता है वो 1600 से 2010 रुपये, और जो बादशाह होता है वो 1900 से लेके 2130 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिचा हुआ है। तो चलिए अब हम फरकाबाद की बात करें। तो फरकाबाद में जो हमारा ख्याति होता है वो 1800 से लेकर 1880 रुपये प्रति क्विंटल, और जो पुखराज होता है वो 1760 से लेके 1840 रुपये प्रति क्विंटल, और 3797 1900 से 2000, और न्यू हाईलैंड 2100 से 2200 रुपये, चिप सोना 1960 रुपये से लेके 2050 रुपये। तो दोस्तों आप लोगों को बीच में बता दें कि आजकल आलू हमको किस प्रकार से बेचना है। हमको आलू को 3 स्टेप में बेच देना चाहिए। फिलहाल 1 स्टेप आपको फॉलो करूंगा कि अभी आप आलू को बेच सकते हैं, अच्छे दाम चल रहे हैं। तो दूसरी जो स्टेप है वो भी बता दूंगा। तो सिरसागंज का रेट है वो हमारा 1700 से लेके 2110 रुपये प्रति क्विंटल सिरसागंज 3797 आलू। और उत्तराखंड की बात करें जो रुद्रपुर की, तो वहाँ पर जो चिप सोना आलू होता है वो 1900 रुपये से लेके 2000 रुपये प्रति क्विंटल, और 3797 1900 रुपये से लेके 1950 रुपये प्रति क्विंटल। तो कानपुर में आवक की बात करें तो 50 गाड़ी की होगी। और जो हमारा छट्टा आलू होता है बढ़िया सुपर, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप इसमें देख लीजिएगा कानपुर का रेट अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो जो 700 छट्टा सुपर जो 705 रुपये से लेके 765 रुपये, और जो छट्टा थोड़ा कमज़ोर होता है वो 685 रुपये से 705 रुपये प्रति मन के हिसाब से वहाँ पे बेचता है। सिंदूरी आलू 805 रुपये से लेके 845 रुपये प्रति मन, और जो न्यू हाईलैंड 825 से 865 रुपये प्रति मन, और कंचन 885 से लेके 805 रुपये प्रति मन, और लाकर 765 से लेके 825 रुपये प्रति मन। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में ना 990 रुपये से लेके 1010 रुपये प्रति कट्टा। बिहार की बात करें तो बिहार में 2000 रुपये से लेके 2100 रुपये प्रति कट्टा क्विंटल, और 3040 आलू। अब वहीं इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में जो हमारा 3797 आलू होता है वो 1900 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, और जो हमारा G4 आलू होता है वो बेचा हुआ है 2100 रुपये से लेके 2200 से 2300 रुपये सबसे हाईएस्ट प्रति क्विंटल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग नीचे लाइक करने के साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में। और भाई देखिए मैं आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो समय होता है बहुत कीमती होता है, और मेरा भी जो समय बहुत कीमती है। तो कई भैया लोग कमेंट करते हैं भाई आप तो खिलवाड़ करते हैं। नहीं भाई, कभी भी ये नहीं सोचना, मैं तो आप पे डिपेंड हूँ, आप लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकता। चलिए मैं एक न्यू वीडियो में लूँ। आप लोगों की जो भी राय है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सलाम आदाब।